शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे इधर कॉल मत किया करो। मेरे पति इस वक्त घर होते हैं, एक तो शक्की ऊपर से पुलिस वाले। शुक्र है कि आज पति घर पे नहीं है। क्या क्या कहा? ना ना तुम मत आना। अच्छा सुनो, एक काम करती हूँ, मैं आती हूँ। ओफ रोहित, मैंने कहा ना मैं आती हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुम कब आए? मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ तुम कहाँ जा रही हो और ये रोहित कौन है? कोई नहीं, मैं तो यही हूँ ना। वो मेरी दोस्त रोहिणी का कॉल आया था। तुम भी ना बेकार में शक करते हो। मैं शक कर रहा हूँ? फोन दिखा अपना। नहीं दिखाऊंगी तुम्हें, मुझ पे यकीन नहीं है क्या? नहीं दिखा, फोन दिखा अपना। नहीं दिखाऊंगी मैं अपना फोन। फोन दिखा। अरे छोड़ो, फोन दिखा, फोन दिखा, तोड़ दो ना मुझे, तोड़ दो। पासवर्ड बता। नहीं बताऊंगा, अरे छोड़ो मेरा हाथ, तोड़ दो ना मुझे। पासवर्ड बता। नहीं बताऊंगी, अरे तोड़ दो ना मुझे, हाथ छोड़ो। अजय, अजय, इससे ज्यादा दर्द मुझे मेरे दिल में हो रहा है। अजय नहीं, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या कर रहे हो? होश में आओ, तुम पागल हो चुके हो क्या? हाँ हाँ पागल हो गया हूँ मैं। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी खुद की बीवी मुझे धोखा दे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अजय होश में आओ, तुम पागल हो चुके हो क्या? तुम क्या कर, तुम क्या कर, क्या कर रहे हो अजय? अगर तुम होश में आओ पागल, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता अजय, ये नहीं करना था। तुम मुझे सच में मारने लगे। तुमने तो बोला था कि तुम्हारी रूटीन लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, तो इंस्पेक्टर का रोल प्ले करते हैं। यार तुम्हें रोल प्ले करने को कहा था, मुझे सच में मारने को नहीं। सॉरी मेरी जान, मैं भावनाओं में बह गया था। मुझे लगा कि मैं सच में तुम्हारा हस्बैंड हूं। अच्छा इतना प्यार करते हो? बहुत। करना क्या चाहते हो? एक मिनट, मेरे पति का कॉल है, चुप रहना। हेलो। हेलो, हो कहाँ तुम? मार्केट आई हूँ सब्जी खरीदने। बंटी को भूख लग रही है, वो खाना मांग रही है, चलो जल्दी आके खाना दो उसे। हाँ आ रही हूँ। मेरा पति बच्ची को भी खाना नहीं खिला पाता। छोड़ दो ना उसे, उससे शादी कर। ओ हेलो, होश में आओ। अपना खर्चा तो संभाल नहीं पाते हो, फिर मेरी और मेरी बच्ची का खर्चा कैसे संभाल पाओगे? कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, पर तुम्हारा खर्चा उठा लूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। जब कुछ कर लो ना तब बोलना, ठीक है? अभी जैसा चल रहा है चलने दो। लो 500 रुपए, और अगली बार पायलट बन के आना है तुम्हें। और हाँ, वो झगड़ा वाला सिचुएशन नहीं रखेंगे,
तुम फूल लेकर आओगे और मुझे मनाओगे क्योंकि मैं तुमसे रूठी रहूंगी ना। जो हुकुम मेरी जान। I'm really sorry, मेरे ड्राइवर की वजह से आपकी साड़ी खराब हो गई। It's okay. रितु, तुम? मैं गौतम। एक सेकंड, पहचाना? आर्यन पब्लिक स्कूल, 10th स्टैंडर्ड, गौतम। Oh my God, गौतम तुम? Thank God तुमने पहचाना तो सही। कैसे नहीं पहचानती? मैं 8वीं क्लास में थी और तुम 10वीं क्लास में थे जब हमारी दोस्ती हुई थी। और तुम्हें पता है इसी वजह से हम पूरे स्कूल में फेमस हो गए थे। और हाँ, जाने के बाद कभी मिले भी नहीं। और मिले भी तो देखो कैसे, ऐसे। हाँ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, पास में घर चली जाऊंगी मैं। अरे इतने दिन बाद मिली हो, रास्ते में कुछ बातें हो जाएंगी, चलो आओ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हम फिर से मिल रहे हैं। अच्छा तुम्हारी शादी हो गई? हाँ हो गई, 2 साल हो गए, डिवोर्स भी हो गया। क्या डिवोर्स क्यों? इसमें इतना शौक होने वाली क्या बात, और वैसे भी आजकल शादी से ज्यादा तो डिवोर्स हो रहे हैं। सच पूछो तो अब मैं ज्यादा खुश। ये खुशी ना चंद दिनों की है, जल्दी से शादी कर लो और बच्चे पैदा कर लो ताकि मैं तुम्हारे बच्चों के साथ। वेट वेट वेट, बच्चे? नेवर इन माय लाइफ। ना ही मुझे बच्चे पैदा करने हैं और ना ही किसी बच्चे पैदा करने वाली से शादी करनी है। ये क्या बात हुई? अरे अपनी अपनी पसंद भाई, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुमने बच्चों की लाइन लगा दी होगी। अगर मैंने इसे बताया कि मेरी एक बेटी है तो ये मेरे हाथ कभी नहीं आएगा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? बस यही सोच रही हूँ, काश मेरे भी बच्चे होते। मतलब तुम्हारे बच्चे नहीं है? नहीं। अरे तो इसमें इतना सैड होने वाली क्या बात है? और वैसे भी बच्चे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते हैं, हमारी फ्रीडम भी खत्म कर देते हैं। ड्राइवर साहब रोक दीजिए, मेरा घर आ गया। घर नहीं बुलाओगी? क्या हुआ? I'm sorry गौतम, क्या है ना मेरे हस्बैंड। समझ गया, शकी है। कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे, ख्याल रखना अपना। हाय, इतनी बड़ी गाड़ी, वर्दी वाला ड्राइवर, कुछ बड़ा आदमी बन गया ये तो। तो नंबर लिया ही नहीं, मिलूंगी कैसे? क्या हुआ? जब पता है कि कानों से सुनाई नहीं देता तो इसे लगा कर क्यों नहीं रखते हो? सुबह से लगा रखा था, अभी जस्ट निकाला। ज्यादा देर तक अगर लगा के रखूँ ना तो तकलीफ होने लगती है। वैसे तुम सुबह से मार्केट गई थी, अभी आ रही हो, इतना टाइम क्यों लगता है मार्केट में तुम्हें? मार्केट में टाइम लग जाता है। वैसे इस बात की तुम्हें बड़ी चिंता है, लेकिन जो मैं भीगी हूँ तुम्हें वो दिखाई नहीं देता। अरे कैसे भीग गई तुम? कैसे भीग गई ये मत पूछो, मोहल्ले की सारी औरतें कार से जाती हैं और एक मैं हूँ जो जूती चटकाती फिरती सब्जी खरीदने जाती हूँ। एक बार बस हमारी कंपनी फिर से स्टार्ट हो जाए ना, गाड़ी भी आ जाएगी। बंटी! अरे बंटी को वो पड़ोस वाली सीमा जी ले गई है और कहा है कि खाना खिला के वापस भेजेगी। लो आ गई। नमस्ते मैम, लीजिए साथ में आपको दे। Thank you.
सॉरी, मेरे ड्राइवर की लापरवाही की वजह से तुम्हारी फेवरेट साड़ी खराब हो गई। अब मेरी चॉइस तुम्हारी तरह अच्छी तो नहीं है, पर फिर भी पसंद ना आए तो भी रख लेना। गौतम, रितु बोल रही हूँ। हाय रितु, आओ, गिफ्ट मिला तुम्हें? हाँ, गिफ्ट मिला, पर इतने जल्दी भेजने की क्या जरूरत थी? अरे तुम वो सब छोड़ो, तुम सिर्फ ये बताओ, तुम्हें वो गिफ्ट अच्छा लगा? साड़ी तो बहुत अच्छी है, मानना पड़ेगा तुम्हारी पसंद को। थैंक्स। वैसे मैं पेंटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। ओ, तुम पेंटर बन गए गौतम? हाँ, और मेरी पेंटिंग्स भी कुछ दिनों में भी एग्जीबिशन के लिए जा रही हैं। ओ वाओ, नाइस, कहाँ लगने वाली? मैं जरूर आऊंगी देखने। वो तो शहर के बाहर लग रही है। तुम एक काम करो ना, तुम घर आ जाओ ना, मैं तुम्हें यहीं दिखाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आती हूँ फिर। खैर, मैं इंतजार करूंगा। जाने के लिए बोल तो दिया, कि मैं पहन के क्या जाऊंगी? वेट, आई हैव टू चेक। रितु, ये साड़ी कब ली तुमने? तुम इतने पैसे नहीं देते कि मैं नई साड़ी खरीदती फिरूं। तो कहां से आई? गिफ्ट में मिली है। गिफ्ट? ना तुम्हारा बर्थडे था ना एनिवर्सरी, तो गिफ्ट क्यों मिला? एक आदमी की गाड़ी से मेरी साड़ी खराब हो गई थी, तो उसने मुझे गिफ्ट किया। और तुमने वो साड़ी रख ली? हाँ, इतना बुरा लग रहा है तो तुम मुझे गिफ्ट कर दो, उसको लौटा दूंगी। टडा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम यहाँ क्यों आए हो? और वो भी ऐसी कॉस्ट्यूम में, किसी ने देख लिया ना तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। एक तो तुम आई नहीं, ऊपर से तुम फोन भी नहीं उठा रही हो, फिर मैं क्या करता? ये कॉस्ट्यूम का किराया ना मुझे अपनी जेब से देना पड़ा, 800 रुपए पर डे पे लेकर आया हूँ। कम से कम इस कॉस्ट्यूम की लाश तो रख लो, चिंदी छाप बातें कर रहे हो। अगर चिंदी होता ना तो तुम्हारे लिए ये एयर हॉस्टेस की कॉस्ट्यूम ना लाता। देखो, कमाल हो तुम। कमरे में चलो, भावेश के आने से पहले फ्लाइट टेक ऑफ हो जाना चाहिए। सर आप यहाँ? ये हमारा चेंजिंग रूम है। मैं तो यहाँ तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देने आया था, पर अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। नहीं सर, आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, इट्स ओके। पहले अपनी आंखें बंद करो, कम ऑन। सर आप ये क्या कर रहे हैं? वही जो मुझे करना चाहिए। सर मैं शादीशुदा हूँ। ठीक है, मैं चले जाता हूँ। नहीं, अब आप आ ही गए हैं तो ओके।
ये मुसीबत अभी कैसे आ गया? एक मिनट में चेंज करके आती हूँ, ठीक है? मम्मी, मैं स्कूल से आ गई हूँ। अरे आते ही उधम मचाना शुरू कर दिया, चलो यूनिफॉर्म चेंज करो। मेरा बच्चा ना बहुत बदमाश हो गया, पूरे रास्ते में उधम मचाते हुए आया, तो घर पे तो उधम मचाएगा। अच्छा भाविश, आज कपड़े चेंज करवा दो ना, एक्चुअली मुझे खाना बनाना है और खाना बनाने में बहुत देर हो गई है। कोई बात नहीं, तो चलो आज मेरे बच्चे का कपड़ा मम्मी पापा चेंज करेंगे, चलो। उठो, फोन भूल गया था, चले। रितु, रितु क्या हुआ? कबर्ड में पैसे थे, कहाँ गए? कौन से? 4,000? हाँ वही। वो तो मैंने खर्च कर दिए। खर्च कर दिए मतलब? वो बंटी के फीस के लिए रखे थे मैंने। अब मुझे सपना थोड़ी हो रहा है कि वो पैसे किस लिए रखे थे, और जब फीस के थे तो मेरे हाथ में देना चाहिए ना, इस तरह छुपा के रखने की जरूरत क्या थी? छुपा के नहीं रखे थे मैंने, संभाल के रखे थे उसे। रहने दो, सब समझती हूँ। क्या समझता है तुम्हें? और मैं देख रहा हूँ, जब से मेरी नौकरी छूटी ना, तुम्हारे तेवर बदल गए। जब नौकरी थी तब कौन सा ऐश करवा दिया तुमने मुझे? जब ऐसा था तो नहीं करती ना शादी मुझसे। क्यों कर ली शादी मुझसे? मैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, वो तो मेरी माँ की अकल पे पर्दे पड़ गए थे, जो तुम जैसे। रितु जबान संभाल के बात करो। चिल्लाओ मत, मुझे सुनाई देता है। अगर बंटी नहीं होती ना, तुम जैसी औरत के साथ एक पल नहीं रहता मैं। Looking gorgeous. Thank you. मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि तुम यहाँ ही हो मेरे घर पे, मेरी आंखों के सामने हो। इसमें बिलीव वाली कौन सी बात है? मैंने तो कहा था लो मैं आ गई। अगर नहीं आती ना तो मैं किडनैप करवा लेता। अरे मजाक कर रहा हूँ। अच्छा चलो तुम्हें पेंटिंग्स दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं तुम्हारी सिलेक्ट की हुई पेंटिंग्स भेजूँ। देख लो, अगर मुझे पसंद नहीं आई ना तो जबरदस्ती तारीफ नहीं करूंगी। अरे मुझे पता है, इसीलिए तो मैं तुम्हारा सजेशन चाहता हूँ। तुम आओ, मैं तुम्हें पेंटिंग्स दिखाता हूँ। और एक पेंटिंग मेरी और भी है। ये मेरी चारकोल पेंटिंग, ये मुझे बहुत पसंद है। तुम देखो, मैं तुम्हें ब्रशेस दिखाता हूँ। इसमें रंग क्यों नहीं भरे? अरे ये चारकोल पेंटिंग है, ये ऐसे ही होती है। क्या हुआ? मेरी जिंदगी भी कुछ इसी पेंटिंग की तरह है, बेरंग और उदास। गौतम इसमें रंग भर दो। गौतम वक्त के साथ साथ भले ही हमारे बीच दूरियां आ गई हों, मगर हमारी दोस्ती तो आज भी वही है ना। हाँ, क्या मुझे इतना भी जानने का हक नहीं कि क्या कमी है, कौन सी तकलीफ है तुम्हें? प्लीज रितु बताओ मुझे।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा गौतम, मैं बहुत परेशान हूँ, दम घुटता है मेरा, अपनी जिंदगी में कैद हो गई हूँ। मम्मी जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, कैसे हो तुम लोग? अरे बहुत दिन से तुम्हारी तरफ से कोई खोज खबर नहीं मिली, मैं तो घबरा गई थी, इसलिए तुमको कॉल किया। मम्मी जी आप अपना ख्याल रखिए, हम सब बिल्कुल ठीक है। अच्छा रितु कहाँ पर है? वो दरअसल उसकी कोई फ्रेंड की गोद भराई की रस्म थी तो वहीं गई है, जैसी आ जाती है मैं उससे कह दूंगा आपका कॉल आया था। कब आएगी वो? पता नहीं, उसने कुछ बताया नहीं। अरे ये क्या बात हुई, तुम अभी के भी उसे फोन करो और घर आने के लिए बोलो, घर में छोटी बच्ची है, उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा कि नहीं? जी मम्मी जी, मैं उसे अभी कॉल करता हूँ। प्रणाम। जीते रहो। तुमने जो कुछ भी बताया उसे सुनने के बाद तो ये लगता है कि तुम्हें शादी से डिवोर्स ले लेना चाहिए। किसी ऐसी शादी का क्या मतलब है जिसमें दिल ही ना मिले हो, और फिर तुम्हारा तो कोई ऐसा इश्यू भी नहीं है, तुम्हारी शादी से कोई बच्चे भी नहीं है, कोई अड़चन भी नहीं होगी। कैसी अड़चन? बच्चा। देखो रितु, अगर इस शादी से तुम्हारा कोई बच्चा होता तो तुम्हें नई शादी करके फिर नई लाइफ में सेटल होने में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। जब एक डिवोर्सी आदमी डिवोर्सी औरत के साथ रह सकता है तो फिर वो उसके बच्चों को क्यों नहीं अपना सकता? करते हैं, अपनाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, और खासकर मेरे जैसा कोई इंसान होगा तो मैं तो कभी ना करूं। अच्छा अगर मेरी खुद की औलाद होती तो तुम्हारा क्या डिसीजन होता? हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो तुम तो मुझे पहले ही बता चुके होते ना। चलो मान लो कि ऐसा कुछ है तो फिर तुम क्या करते? तो ये तुम्हारी और मेरी आखिरी मुलाकात होगी। काफी देर हो गई है तो हमें चलना चाहिए। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और कल तो तुम आओगी ना। चलो। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं मैं छोड़ देता हूँ, चलो। मैं रोज आऊंगी तुमसे मिलने, क्योंकि एक बार तो मैं खो चुकी हूँ, अब दोबारा खोना नहीं चाहती। चलो। अरे तुम अभी तक सोए नहीं? वो एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन अब जा रहा हूँ। सुनो मुझे नौकरी मिल गई। नौकरी? हाँ, आज जिस दोस्त के फंक्शन में गई थी उसके दोस्त को इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत थी तो उसने ऑफर दिया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर तुम नौकरी पे जाओगी तो बड्डी का ध्यान कौन रखेगा? बंटी को तुम नहीं देख सकते क्या? कुछ दिनों की बात है। चलो ठीक है, कब से जॉइनिंग? कल सुबह से ही जाना है और आने में देरी भी हो जाएगी। ओ मेरे इडियट पतिदेव, तुम्हें बेवकूफ बनाना बाएं हाथ का खेल है।
हाँ मैं घर पे ही था, हाँ मैं मिलता हूँ, श्योर श्योर। नहीं एक्चुअली क्या है कि मैं बात मत करता हूँ। तुम आओगी इसका तो मुझे अंदाजा था, लेकिन इतनी सुबह सुबह। अब अंदाजा लगाना छोड़ दो और जो सामने है ना उसका स्वागत करो। जो बात स्कूल में नहीं बोल पाया वो बात मैं आज बोलना चाहता हूँ। क्या? आई लव यू। ये बात स्कूल में बोल देते ना तो आज हम साथ होते। कैसे बोलता? हाँ तुम आठवीं में थी, मैं दसवीं में। और आज हम एक छत के नीचे हैं। सुनो ना, अब कभी साथ तो नहीं छोड़ोगी ना? कभी नहीं। अच्छा सुनो, तुमने अपने पति भावेश से बात की डिवोर्स की? अचानक मैं डिवोर्स की कैसे बात करूं, कोई पॉइंट तो मिलना चाहिए ना। अच्छा, ये लड़कियों को झगड़ा करने के लिए मौके की जरूरत कब से पड़ने लगी? मैं और लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मैं झगड़ा नहीं करती। अच्छा। काश तुम मेरी जिंदगी में पहले आ जाती। तुम कहाँ थी इतने दिनों से, आई क्यों नहीं? तुमसे कहा तो था कि मेरी नौकरी लग गई है, और हाँ अब मैं पहले की तरह नहीं मिल सकती हूँ। आ नहीं सकती हो या फिर मिलना नहीं चाहती हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? देखो मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, और अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना मेरे साथ तो तुम्हारे पति को मैं जान से मार दूंगा। सच? अच्छा ऑफिस से मेरे बॉस का फोन है, तो अभी तुम जाओ, मैं वादा करती हूँ कि तुमसे मिलूंगी पक्का, ठीक है? वादा वादा। हेलो, मुझे निकलने में थोड़ी देरी हो गई, हाँ मैं अभी आती हूँ तुम्हारे पास। अरे नहीं नहीं, मैंने यही बताने के लिए फ़ोन किया, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेरी पेंटिंग सिलेक्ट हो गई है, मुझे निकलना होगा, मैं आकर मिलूँगा। और हाँ अपने पति से बात कर लेना, क्योंकि बिना बात किए तो कुछ नहीं होगा ना। मैं कुछ करती हूँ। ठीक है बाय। घर में गुंडे घुस आया है। हाँ? बाहर देखो गुंडा है। गुंडा? हाँ। ये रघु है, ये सिर्फ दिखता खतरनाक है, बहुत शरीफ आदमी है, पीछे वाले बस्ती में तो रहता है। जो भी हो हमारे घर में क्या कर रहा है ये? अरे मैंने बुलाया इसे लॉन की घास काटने के लिए, और ये ना तो सुन सकता है ना बोल सकता है। बाहर निकालो इसको। भाविश बहुत हो गया है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे भगवान ने उसे ऐसा बनाया तो मैं क्या कर सकता उसमें? मैं बात उसकी नहीं तुम्हारी कर रही हूँ, और उस मालिक की जगह कोई गुंडा होता तो आज तो मैं कहीं की नहीं रहती। तुम्हारा होना ना होना एक बराबर है। भाविश हमें इस रिश्ते को नहीं निभा सकती, मुझे तलाक चाहिए तुमसे। सोच समझ के बात कर रही हो, दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुमने सोचा हमारे तलाक के बाद बंटी का क्या होगा? क्यों तुम उसका ख्याल नहीं रख सकते हो? हाँ रख सकता हूँ मैं ख्याल उसका, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह एक माँ रख सकती है, और उसके लिए ना उसकी जिंदगी हम दोनों हैं, उसके माँ बाप। तुमने कभी सोचा है वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरेगी हमारे तलाक के बाद? और मैं किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही हूँ तुम्हें अंदाजा है? देखो तुम्हें जो करना है ना कर लो, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मैं अपनी जिंदगी अकेले बिता सकता हूँ, लेकिन मेरी बेटी उसके सर से मैं माँ का साया कभी हटने नहीं दूंगा। तुम इसे मजबूरी समझो या जबरदस्ती, लेकिन तुम्हें यहाँ मेरे साथ इसी घर में रहना पड़ेगा और रिश्ता निभाना पड़ेगा। अरे माँ अचानक से, चल चल मांग माफी। किस बात की माफी मांगू,
माफी तो आप लोगों को मांगना चाहिए जो शादी के पहले मुझे नहीं बताया कि मेरा होने वाला पति सुन नहीं सकता है। जो हो गया उसे दोहराने से क्या फायदा बेटा, तेरे साथ एक नन्ही जान जुड़ी है, तुझे उसके बारे में सोचना चाहिए ना बेटा। क्यों, मैं क्यों सोचूं? मैं ही क्यों सारी कुर्बानियां दूं? मैंने फैसला कर लिया है और अब मैं उस पे कायम रहूंगी। लेकिन मम्मी जी एक मिनट, मैंने भी कुछ सोचा है जो मुझे बताना है। मुझे भी तलाक चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। जब तक बंटी इस लायक नहीं हो जाती कि वो अपने फैसले खुद ले सके, तब तक हम दोनों एक छत के नीचे एक साथ रहेंगे। लेकिन हम दोनों का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं होगा, मैंने सोच लिया है। ये कैसे हो सकता है, ये मुझे मंजूर नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं कोर्ट में जाकर डिवोर्स फाइल करूंगी। किस बेसिस पे तुम डिवोर्स फाइल करोगी? यही ना कि तुम्हारा हस्बैंड बहरा है, सुन नहीं सकता, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता। मम्मी जी आप खुद बताइए, जो आदमी अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, एक मासूम बच्ची की रक्षा किस तरह करेगा? और वैसे भी एक छोटी बच्ची को ना माँ से अलग करना सही बात नहीं है। तो हम तीनों एक साथ रहेंगे इसी घर में। रितु सुन तो बेटा, गौतम को अगर बंटी के बारे में पता चल गया तो वो मुझे कभी नहीं अपनाएगा, और भाविश वो मुझे बंटी से अलग नहीं होने देगा। तेरे साथ एक नन्ही जान जुड़ी है, तुझे उसके बारे में सोचना चाहिए ना बेटा। और वैसे भी एक छोटी बच्ची को ना माँ से अलग करना सही बात नहीं है। ये सब के सब मेरे और गौतम के बीच दीवार बनकर खड़े हैं, और उसकी जड़ बंटी है। अगर बंटी ना होती तो मेरे रास्ते में कोई अड़चन ना आती। क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं गौतम के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। बहुत दिनों के बाद मेरी जिंदगी में खुशियां आई हैं, किसी भी सूरत में मैं इसे खोना नहीं चाहती। मैं आ रही हूं तुम्हारे पास। ऐसा कैसे कर सकते हैं? करना होगा, यही एक रास्ता है। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। सोच लो, अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा, वरना हमेशा के लिए भूल जाओ मुझे। रितु मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, लेकिन ये सब करना तो पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि हम एक हो जाएं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। दोपहर 12 बजे बंटी का स्कूल छूटता है, मैं कुछ बहाना बनाकर भाविश को जाने में लेट कर दूंगी। उतनी देर में तुम अपना काम कर लेना। ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम मुझसे शादी कर लोगी ना? ठीक है। बंटी चल जल्दी स्कूल जाना है ना, चल तैयार हो जाओ, चल चल चल। नहीं नहीं आना, स्कूल से डूब रहा है। अरे कोई सदा नहीं हो रहा, पापा भी रेडी हो गए। चलो बेटा जल्दी से आओ, उठो चलो जल्दी आ जाओ। हमारी गुड़िया रानी पढ़ाई करेगी ना, है ना, पढ़ाई करेगी। इधर देखो, चलो चलो चलो, पढ़ाई करेगी। चलो जल्दी। क्या हो गया प्रिंसेस को? हाँ? मुझे नहीं जाना स्कूल। अगर मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो लिटिल प्रिंसेस कैसा बनेगा? स्कूल तो जाना पड़ेगा ना। अरे ऑलरेडी लेट हो गए, आप जल्दी जाइए ना। इसको तो बुखार है। कोई बुखार नहीं, ड्रामा करती रहती, जाइए ना आप। अरे कोई ड्रामा नहीं कर रही है ये, इसका पूरा शरीर गर्म है, तुम्हें पता नहीं चला क्या? थर्मामीटर लेके आओ। ठीक है। बैठो, इधर बैठो, बैग उतारो, घूमने जाएंगे ना। चलो खोलो, चलो। रितु इसको 104 डिग्री बुखार है यार, तुम्हें पता नहीं चला क्या?
हेलो डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, भावेश बोल रहा हूँ। हाँ, बंटी का पापा। एक्चुअली इसको बुखार है, आप अर्जेंटली घर पे आ सकते हैं क्या? जी, थैंक यू सो मच। चलो डॉक्टर अंकल आने तक हम लोग बेडरूम में रुकेंगे, और आज स्कूल की छुट्टी। ओके, अजय। अच्छा सुनो, प्लान में कुछ चेंजेस हैं। ओके, जैसा भी कुछ होता है मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम फौरन घर आ जाना, ठीक है? हाँ, ओके, ठीक। फिलहाल बच्ची सो रही है, जैसे ही जाग जाए दूध पिला देना। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन दे दिया है, फिलहाल तो आराम है। वैसे मेरा जाने का मन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बड़ी मुश्किल से पार्ट टाइम जॉब मिली है, लेकिन जल्दी आ जाऊंगा। ओके, बाय बाय। अजय तुम आ जाओ। तुम आ गए, ठीक है, जल्दी करो। तो बुखार आ रहा है। तो बुखार में इतनी छोटी बच्ची के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। करना पड़ेगा, ऐसा जल्दी होगा, और दिल मजबूत करके करो। और हाँ, ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा, सो जल्दी करो। एक मिनट। हेलो गौतम, कब आए? वेरी नाइस। हाँ हाँ, खुशखबरी दूंगी जल्दी से। और हाँ, हमें एक दूसरे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। क्या? हाँ हाँ, तुम शादी की तैयारी करो। शादी करेंगे और जिंदगी भर साथ रहेंगे। हाँ चलो चलो, मिलने आती हूँ तुमसे। ओके चलो, बाय। अरे जिस काम के लिए आए वो करो ना, खड़े क्यों हो? देखो एक बार फिर सोच लो। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? हुँ? इसको उठा के लेके जाओ। मम्मी मैं अंकल के साथ नहीं जाऊंगी। बंटी ये अच्छे अंकल हैं, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, ठीक है? और बहुत सारी चॉकलेट्स भी दूंगा। हाँ, चॉकलेट खाओगी ना? चलोगे? ठीक है, तुम लेके जाओ इसको। भावेश, बंटी घर पे नहीं है, तुम जल्दी घर आ जाओ। मैंने सब जगह ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिल रही। भावेश तुम जल्दी घर आ जाओ। ये तो बंटी को कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। बच्ची घर से गायब हो गई और आपको पता भी नहीं चला। इंस्पेक्टर साहब, बंटी की दवाई की शीशी टूट गई थी, मैं वही लेने बाहर गई थी, वो मैं दरवाजे पे बाहर से कड़ी लगा के गई थी, और जब मैं अंदर आई तो बंटी गायब थी। प्रॉब्लम ये है, आपके इस पूरे इलाके में कहीं भी सीसीटीवी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत जल्द आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। अब हमारे रास्ते की सारी अड़चनें खत्म हो गई। अरे अड़चनें तो कभी थी नहीं, तुम ही बस अपने दिमाग में वहम पाल कर बैठी थी। अब देखो मान गया ना, अगर तुम पहले बात कर लेती तो आज हम पहले सेलिब्रेट कर रहे होते। अब पुरानी बातें सारी भूल जाओ,
आज से नई जिंदगी की नई शुरुआत करो। चीयर्स करते हैं। एक मिनट, हेलो अजय, काम हो गया? काम तो हो जाएगा, पर ये बताओ तुम कहाँ पे हो? मैं मार्केट में हूँ, सब्जियाँ ले रही हूँ। तुम्हारी सब्जियाँ ही तो खतरनाक हैं। कल तक सब्जी लेने के बहाने तुम मेरे पास आती थी और आजकल अपने नए आशिक के पास जाती हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जब तुम अपने आशिक से बात कर रही थी ना, तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तुम एक काम करो, शादी की तैयारी करो। शादी करेंगे, जिंदगी भर साथ रहेंगे। हाँ हाँ, मिलने आती हूँ। अब मैं पुलिस में जाऊंगा और तुम्हारे खिलाफ ना तुम्हारी बेटी ही गवाही देगी। तुम हरगिज ऐसा नहीं करोगे। हाँ, मैंने तुम्हें अपनी बेटी दी, पर तुम क्यों ले गए? तो फंसोगे तो तुम भी। सो जो हमने प्लान बनाया है उस पे चलते हैं। तुम अपना वादा निभाओ, मैं अपना वादा निभाती हूँ। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारी बेटी को रास्ते से तभी हटाऊंगा जब तुम मुझसे शादी करोगी। तुम पागल हो क्या? मेरी बेटी गायब है और मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे पास आती हूँ, ठीक है? तो तुम्हारी बेटी है? झूठ बोला तुमने मुझसे। नहीं गौतम, ऐसा नहीं है। तो कैसा नहीं है, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है। जानती हूँ गौतम, लेकिन ये सब मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया। उस झूठ को मैंने सच साबित कर दिया है। और हमारे बीच में अब मेरी बेटी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा कदम उठा दिया है। कैसा कदम? मैं अभी नहीं बता सकती, अभी मुझे जाना होगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो? थोड़ा धीरे बोलो, आंटी सो रही है ना, जाग जाएगी। तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, कर लो। ये बच्चों वाली फिल्मी बातें करके तुम मुझे बहलाना चाहती हो? अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, मैं तैयार हूँ, तुम शादी कर लो। अगर हम बंटी के साथ पकड़े गए ना, तुम दोनों जेल जाएंगे। और बंटी को दूर करने का जो प्लान है वो हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा, और क्योंकि बंटी को चारों तरफ पुलिस ढूंढ रही है। हम एक काम करते हैं, बंटी को यहीं मार के गाड़ देते हैं और दूसरे शहर चले जाते हैं, यही सही रहेगा। तुम सच कह रही हो ना, इस बार धोखा तो नहीं दोगी ना? धोखा दूंगी तो मुझे भी मार देना। खबरदार, जो जाए वहीं खड़े रहो। बंटी, बंटी। थैंक यू गौतम जी, अगर आप हमें वक्त पर इन्फॉर्म ना करते तो शायद अब तक इस संगीन जुर्म को अंजाम दे चुके होते। गौतम, यहाँ का तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारी बातें सुनकर और तुम्हारे चेहरे की वहशत देखकर मैं समझ गया था कि तुम ऐसे कुछ घिनौना करने वाली हो, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। I'm sorry, Mr. Bhavesh. मुझे लगा था कि गलत आप हो, लेकिन गलत आपने। ये औरत गलत ही औरत है। I'm sorry. गौतम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखो। तू औरत नहीं, औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। जो औरत अपनी बेटी की नहीं हो सकती है ना, वो कभी किसी और की नहीं हो सकती। इंस्पेक्टर साहब, इस औरत को मेरे नजरों के सामने से अभी के अभी ले जाइए। ले जाओ,
इन दोनों को हवालात में। मुझे माफ कर।